कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2050 में ले जा रहा हूं। और यकीन कीजिए, जब मैंने इस गहरी और गोपनीय रिपोर्ट को पढ़ा तो मैं खौफ से भर उठा। क्या दुनिया ऐसी होगी? मैं भीतर से सिहर गया। मैं खुशी से भर उठा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतनी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्या विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा। तो आज का ये उज्ज्वल पाटनी शो आपको कोई ज्ञान नहीं देगा, आपको सीधा यहाँ से 25 साल आगे लेकर जाएगा। और इस शो को आपको एकांत में देखना चाहिए, क्योंकि आपके सोचने के तमाम दायरे आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो के बाद ध्वस्त हो जाएंगे। 2050 न्यूरल कमांड से चलेगा, मतलब स्क्रीन आउट, कीबोर्ड आउट, वॉइस कमांड आउट। तो सब कैसे होगा? आप दिमाग में सोचेंगे, आपके शरीर में एक सेंसर लगा होगा, वो सेंसर आपकी न्यूरल कमांड को लेगा और वो काम कर देगा। इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, दुनिया थॉट प्रोसेस से चलेगी, परचेस से लेके पेमेंट तक सब कुछ थॉट प्रोसेस से होगा। अब भाई, इस दुनिया में खौफ भी है और इस दुनिया में आश्चर्य भी। और ये मत सोचना कि दूर की कौड़ी है, ऑलमोस्ट 80% काम चाइना और अमेरिका ने इसमें कर लिया है। 2050 में हमारे शहर कैसे होंगे? क्या ट्रैफिक की समस्या होगी, चोरी की समस्या होगी, चारों तरफ हॉर्न बजेंगे, कूड़े की समस्या होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा डेवलपमेंट, सारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एआई से कंट्रोल्ड होगा, यानी ह्यूमन का दखल मिनिमम होगा। ऑटोमेटिक घर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। गाड़ियां जैसे जैसे डार्क सड़कों से गुजरेगी, वहां अपने आप रोशनी चालू हो जाएगी। हर घर, हर ऑर्गेनाइजेशन मौसम से संचालित होंगे। यदि गर्मी है तो एसी चलेगा, यदि ठंडी है तो हीटर चलेगा। जो कुछ भी होना है सब कुछ एआई से होगा, मतलब पूरा का पूरा शहर एआई से रन होगा। चारों तरफ ड्राइवरलेस गाड़ियां होगी, चारों तरफ डिजिटल कमांड्स होगी, तो शहर में एक्सीडेंट की तादाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़क पे नहीं चलेगा, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगा। शेयर टैक्सी सड़क पे नहीं होगी, शेयर टैक्सीज होंगी एयर से होंगी और आपकी घरों की छत से आपको पिक कर लेगी। इनफैक्ट आपको रोड तक भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और चीज सोच के हैरान हो जाता हूँ, फिर जो बचेंगे शायद वो एआई ऑपरेटर्स बचेंगे, तो ऑलमोस्ट 80% नौकरियां गायब हो जाएगी। तो ये डर मैंने ऑलरेडी एक उज्ज्वल पाटनी शो में व्यक्त किया है कि आने वाले 10 सालों में कितनी नौकरियां गायब होगी। और यदि 2050 की बात करूं तो लगभग 90% जगह नौकरियां नहीं रहेगी, या तो एआई को बनाने वाले रहेंगे, या तो एआई को चलाने वाले रहेंगे, या तो वो जॉब्स रहेगी जो एब्सोल्यूट फिजिकल है, जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है सर, इंफ्रा बदल जाएगा, मशीनें बदल जाएगी, रिलेशनशिप्स का क्या होगा? भाई, रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब आपको शायद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक रोबोट होगा जिसकी शक्ल भी आप चेंज कर पाएंगे और जिसको आप कमांड देंगे कि आज दिन भर मेरी मनुहार करो, आज दिन भर मुझसे प्यार करो, तुम किसी भी हाल में विरोध नहीं करोगी, मेरा टोका टाकी नहीं करोगी। और वो तो रोबोट है, सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम्ड है, एआई से इवॉल्व है, वो शायद आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्लेस करेगा बहुत हद तक, वो आपके फ्रेंड्स को रिप्लेस करेगा बहुत हद तक, क्योंकि रोबोट इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में ऑलरेडी बहुत तरक्की कर चुके हैं। और किसी को मनुहार, किसी को पुचकार, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं डिबेट हो रहा है, ओपिनियंस का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो दुनिया इंटरेस्टिंग रहेगी कि बोरिंग रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और हो सकता है सभी देशों में सब चीज ना हो, लेकिन 2050 में ये चीजें देखने को मिलेगी। और इसको दूर की कौड़ी ना समझना, चाइना ऑलरेडी एआई 5.9 मॉडल बना चुका है, जो मेमोरी को सिमुलेट कर रहा है, जो अफेक्शन को एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसे धरती पर लेकर आ रहा है, और जो पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप कर रहा है, मतलब ऑलरेडी आधा रास्ता तय हो गया है। तो अब आप कमांड क्या देंगे? शायद आप एक दिन कहेंगे, आज मेरी माँ के जैसा बिहेव करो। आप एक दिन कहेंगे, मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जैसा बिहेव करो। आप एक दिन कहेंगे, मेरा एक खाटी पापी दोस्त ऐसा था, अगले 3 दिन तुम उस दोस्त के जैसे रहना। मतलब जहां चाहेंगे, जैसा चाहेंगे,
एक रोबोट अपने आप को उस किरदार में ढाल लेगा। माय गॉड, शॉकिंग। सबसे इंटरेस्टिंग, 2050 में हॉस्पिटल कैसे, डॉक्टर कैसे होंगे, ऐसा क्या होगा जिससे लाइफ स्पैन 50% या 100% तक बढ़ जाएगा? भाई साहब, 2050 में पैथोलॉजी लैब साफ हो जाएंगे, हॉस्पिटल तो रहेंगे लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं रहेंगे, रोबोट रहेंगे। लगभग 90% मेडिसिन गायब हो जाएगी। आपके शरीर में सेंसर रहेगा, आपके शरीर में इन्फ्यूजर रहेगा, वो अपने आप तय समय पर आपके ब्लड में, आपकी स्किन में थोड़ी सी मेडिसिन छोड़ देगा, आपको मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मेडिसिन सिस्टम से आउट हो जाएगी। हो सकता है महीने दो महीने में एक बार वो सेंसर को लोड करना पड़े, शायद उतना ही बचेगा। क्यूरेटिव की जगह, मतलब बीमारी होने के बाद ठीक नहीं करना है, प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स आ जाएगा जो पर्सनल वेरिएबल्स के माध्यम से आपके शरीर को चलाएगा। उसको डे वन पर पता चल जाएगा कहां क्या गड़बड़ हो रही है, वो डे वन से आपको मेडिसिन दे देगा। आपके होम एनवायरनमेंट में चारों तरफ प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स होगा। घर में किसी को भी कुछ होगा तो जहां नेसेसरी जगह मैसेज जाना है, जहां से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब यदि आप अपने बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता नहीं चला। जैसे ही आप गिरेंगे, आपकी प्रेडिक्टिव डिवाइसेस और आपका होम एनवायरनमेंट नेसेसरी इमरजेंसी प्रोटोकॉल को उसी वक्त एक्टिवेट कर देगा। दवाइयां खत्म हो जाएगी, भोजन खत्म हो जाएगा, हम बोलते हैं जंक से नुकसान, मैदे से नुकसान, स्टेल फूड से नुकसान, सब खत्म हो जाएगा। आदमी काम करेगा और दिन में एक्टिव रहने के लिए स्मार्ट पिल्स खाएगा। वो मेन खाना तो शायद कभी कभार टेस्ट लेने के लिए खाएगा, बाकी उसका एक्चुअल फूड मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कंप्लीटली एक स्मार्ट पिल पर डे के माध्यम से हो जाएगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात, बहुत सारी जो जेनेटिक डिसीजेज होती है उसको ऑटोमेटिकली जेनेटिक्स में चेंजेस करके, कंटिन्यूस चेंजेस करके सिस्टम से हटा दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी बीमारियां दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यह एक बड़ा सवाल है, पुरानी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन शायद कुछ नई आ जाए। 2050 में घर नहीं रहेंगे, स्मार्ट होम्स रहेंगे जो एनर्जी से इंडिपेंडेंट रहेंगे। बिजली नहीं होगी, जेनरेटर नहीं होगा, इन्वर्टर नहीं होगा, घर अपनी बिजली स्वयं पैदा करेंगे। आज सोलर सोर्स है, उस समय हवा भी एक सोर्स हो जाएगी, बारिश भी एक सोर्स हो जाएगी, चारों तरफ से घर एनर्जी जेनरेट करेगा, अपनी सारी रिक्वायरमेंट को खुद मीट करेगा। वो स्मार्ट होम्स कैसे होंगे, वो मौसम के हिसाब से घर को कंट्रोल करेंगे। यदि घर में कोई बीमार है तो उस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके कमरे को कंट्रोल करेंगे। जो आदमी जहां घूम रहा है उसको किस वक्त क्या खाने पीने की जरूरत होती है, वो किस वक्त शॉवर में जाता है, किस वक्त टॉयलेट में जाता है, किस वक्त किचन में जाता है, वो सब उसके रेटिना से आइडेंटिफाई होगा और वो घर में यूं चलता रहेगा और घर मानो उसका काम करता रहेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि डोर, हैंडल, स्विचेज, सब साफ हो जाएंगे। मतलब अगले 25 सालों में 80% धंधे साफ होंगे और 80% नौकरियां साफ होगी। आश्चर्य मत करना, हमने मोबाइल पे आश्चर्य किया था, आज हम बिना मोबाइल के एक दिन की कल्पना नहीं कर सकते। इंटरनेट बहुत टॉप के लोगों के लिए एक लग्जरी था, आज हर गरीब गुहाड़ के हाथ में भी इंटरनेट है और 2-2 GB पर डे। तो कोई भी चीज पर आश्चर्य मत करना, बल्कि उसके लिए तैयार होना है। 2050 में खाना कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी स्मार्ट पिल्स के बारे में बताया। एक कदम और आगे चलते हैं, अधिकांश जगह लोग खेती नहीं करना चाहेंगे, खेती के लिए रिक्वायर्ड पॉपुलेशन भी नहीं होगा, मोस्टली जो एनवायरनमेंट होगा वो अर्बन एनवायरनमेंट हो चुका होगा। ऐसे में मॉलिक्यूलर फूड स्टार्ट होगा, आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैब ग्रोन प्रोटीन होंगे, आपके शरीर के हर मॉलिक्यूल के हिसाब से, आपके डीएनए आरएनए के हिसाब से मॉलिक्यूलर फूड प्रिंटर होगा जो आपके लिए हर दिन वैसा ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना के देगा, और शायद वो पूरा खाना भी ना बना के दे, स्मार्ट पिल बना के दे। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा, जो आधे से ज्यादा जीवन चटोरागिरी में बीतता है उसकी जगह दुनिया के बहुत सारे लोग खाना इसलिए खाएंगे क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, ब्रेन को शार्प करना है और हर ऑर्गेन को ऑप्टिमम फंक्शन करना है। खाने को टेस्ट के लिए शायद वो महीने या साल में एक दो बार खा ले। 2050 में फ्यूल कैसा होगा,
पेट्रोल आउट हो जाएगा, डीजल आउट हो जाएगा, ईवी, ये भी एक शॉकिंग चीज है, ये रिपोर्ट कहती ईवी भी आउट हो जाएगी, क्योंकि 2050 के आसपास सब कुछ वाटर पावर्ड होगा। हाइड्रोजन से गाड़ियां अपने आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगी, मतलब वो चलती रहेंगी और एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेगी और वही उनका फ्यूल होगा। तो एक तरीके से दुनिया में जितने भी फ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस हैं, उन सब पर भारी संकट होगा। मुझे उम्मीद है उसमें से 90% जो तेज लोग रहेंगे वो इवॉल्व कर जाएंगे। अभी मैं जब ये सब बता रहा हूँ, मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश होकर बताऊँ कि दुखी होकर बताऊँ, लेकिन लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। अभी जो बहस चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये सब बहस खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया से ऑफिसेस खत्म हो जाएंगे। सारे ऑफिस वीआर में होंगे, सारी मीटिंग्स वीआर में होगी। कोई भी आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए उसने कीबोर्ड दबाया कि नहीं, वो टेबल पर बैठा है कि नहीं, वो ऑफिस आया कि नहीं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये डेवलप्ड देशों से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलेगा। और रिपोर्ट कहती है 25 साल बाद ऑलमोस्ट 50% ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सारे विकसित देशों के ऑफिस बंद हो जाएंगे, और उसके और 25 साल बाद बचे 25%, और उसके आगे भविष्य में सारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे और दुनिया पूरी तरीके से वीआर पर चलेगी। जो जहां है उसी वक्त वो ऑफिस में है, और ऐसा महसूस होगा मानो वो शारीरिक रूप से आपके सामने बैठा है। 2050 की कौन सी चीज सुनकर आपको सबसे ज्यादा खौफ हुआ, कौन सी चीज सुनकर आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिसने भी ये बहुत कीमती एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्ट बनाई है दुनिया की रिसर्च करके, उसको मैं सलाम करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।